दोस्तों आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया था और इस बीच उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक बहुत ही खतरनाक देश है। दोस्तों जो अमेरिका सालों से पाकिस्तान को पार रहा है, भले ही उसको ये बात अब जाकर पता चली हो, लेकिन यही बात 70 सालों से भारत कहता आ रहा है, पर उस पर कोई यकीन करे तब ना। दोस्तों आपको बता दूं, क्योंकि पाकिस्तान ने बड़े से बड़े आतंकवादी अपने देश में ही पाल रखे हैं, लेकिन जब इस बारे में पाकिस्तान से सवाल पूछे जाते हैं तो मानो कि पाकिस्तान को सांप ही सूंघ जाता है, उनकी जुबान पर ताला लग जाता है, उनके पास कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचते। इनके देश के अधिकारी और नेता इस बात पर बोलने के लिए बहुत ज्यादा घबराते हैं, ना जाने क्यों। वैसे तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जिस भी मंच पर जाते हैं, हर मंच पर कश्मीर का लाभ ही लाभते हैं, लेकिन ऐसी बात जब इनसे कश्मीर के बारे में बात हटाकर इनके आतंकवाद के बारे में बात की जाए, तब इनके पास कुछ शब्द ही नहीं बचते, मानो कि इनके पास जुबान ही खत्म हो गई हो। दोस्तों आपको बता दूं, दरअसल बात ये है कि पाकिस्तानी इंटरपोल की बैठक में बैठने के लिए भारत आए थे, और जब उनसे दाऊद अब्रामी और लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद को लेकर सवाल पूछा गया, तो दोस्तों आपको बता दूं कि उन्हें अचानक से सांप सूंघ गया और अपना पल्ला झाड़ते हुए वो चुपचाप से अपनी सीट पर आकर बैठ गए। इन्होंने अपने मुंह पर उंगली रख कर जबान अपनी इस तरह से दबा दी कि अगर कहीं इनकी जबान से कुछ निकला तो वहां पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाएगा। दोस्तों दरअसल पाकिस्तान की सबसे बड़ी जांच एजेंसी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल मोहसिन भट्ट से जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछना चाहा, तो पहले तो उन्होंने कुछ जवाब देने से इनकार कर दिया। हालांकि रिपोर्टर ने सवाल पूछ ही लिया कि पाकिस्तान के दाऊद इब्राहिम पर आतंकी हाफिज सईद को भारत को सौंप रहा है। ये सवाल सुनकर उस पाकिस्तानी अफसर के मुंह पर ताला लग गया, वो कुछ बोलने के काबिल ही ना रहा। पत्रकार ने कहा कि मेरा एक सवाल है। दोस्तों आपको बता दूं कि इसी के साथ मोहसिन भट्ट अपने हाथ हिलाते हुए बोलने से इनकार करते नजर आ रहे थे, जो कि आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पत्रकार ये भी बोल रहा है कि आप केवल एक बार सवाल सुन लें, उसके बाद उस सवाल का जवाब देना है या नहीं देना ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। क्या भारत के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा? हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम भारत में मोस्ट वांटेड हैं। क्या उन दोनों को आप भारत को सौंपेंगे या नहीं? दोस्तों आपको बता दूं, इस पर मोहसिन अपने मुंह पर उंगली रखते हुए नजर आए और सवाल का जवाब ना देते हुए उस सवाल को इग्नोर करते हुए नजर आए। दोस्तों आप भी ये वीडियो देख सकते हैं। पत्रकार अपने सवाल पूछता रहा और पाकिस्तानी अधिकारी इधर उधर देखते ही रह गए। दोस्तों अब आपको बता दें कि इंटरपोल की 90वीं सभा अब भारत में होने वाली है। दोस्तों इसका आयोजन 25 साल बाद दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें 195 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। तो दोस्तों ये खबर सुनकर आपको कैसा लगा? आपकी इस खबर पर क्या राय है? आप हमें अपने विचार कमेंट में लिखकर शेयर कर सकते हैं। हम इसी तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए देखते हैं एक और खबर। आपको बता दूं कि भारत की अग्नि 6 मिसाइल का तूफान, बड़े अपडेट ने बढ़ाई अमेरिका तक टेंशन। दोस्तों चीन को तो छोड़िए, यूरोप को भी ये बीच में ही ले लेगी मिसाइल। अमेरिका को फिक्र हो रही है और टेंशन में है आधी दुनिया। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं, भारत का DRDO जिस रफ्तार से मिसाइलें बना रहा है, फिर बात हो चाहे ब्रह्मोस मिसाइल की या ब्रह्मोस 2 सुपरसैनिक मिसाइल की हो, आकाश या फिर कोई और मिसाइल हो, या फिर बात अग्नि सीरीज की सभी मिसाइल्स की हो। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत लगातार इन तरह की मिसाइलों को बिजली की रफ्तार से तैयार कर रहा है, इसमें कोई भी कमी नहीं की जा रही। लेकिन दोस्तों अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि भारत जिस अग्नि मिसाइल को अब बनाने जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ब्रह्मोस से भी ज्यादा कहीं पर तबाही मचाने वाली है। ये मिसाइल कितनी खतरनाक है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि सुपर पावर अमेरिका भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से इतना नहीं डर रहा, जितना भारत की इस नई मिसाइल से
वो खौफ खा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, इसका नाम है अग्नि 6 और इसकी ताकत और इसकी रेंज और इसकी तबाही को देखते हुए दुनिया का हर एक आदमी परेशान हो गया है। सबके सब हैरान रह गए हैं इसे देखकर। दोस्तों आपको बता दूं कि ये सब देखते हुए दुनिया के काफी देश और दुनिया हैरान हो रही है कि भारत आखिरकार इतनी ताकतवर मिसाइल क्यों बना रहा है, इसके पीछे क्या अंतर हो सकता है जिससे अमेरिका तक डर रहा है। दोस्तों ये सारी बात आपको मैं बताऊंगा पूरी विस्तार से, वो भी इसी वीडियो में। तो इस खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों आपको बताता हूँ कि इस मिसाइल को लेकर ऐसा नया क्या अपडेट आया है जिसको लेकर दुनिया के सभी देश बहुत परेशान हैं। दोस्तों अग्नि 6 की खबर से अमेरिका और चीन भी चौंक गए हैं। आपको बता दें कि आधे से ज्यादा यूरोप टारगेट पर है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये भारत की एक ऐसी मिसाइल है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, इसका नाम है अग्नि 6 मिसाइल। तो दोस्तों आपको बताता हूँ कि इस मिसाइल का इंतजार इसलिए है क्योंकि जिस दिन ये मिसाइल बनकर तैयार हो जाएगी तो भारत अपना 10,000 किलोमीटर का बैरियर तोड़कर दुनिया के एक बहुत ही स्पेशल क्लब में शामिल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके पास 10,000 किलोमीटर की मिसाइलों की रेंज तक की मिसाइलें हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों, जैसे ही ये भारत अग्नि 6 बना लेगा तो हम भी इस क्लब में शामिल हो जाएंगे। और आपको बता दूं दोस्तों, दुनिया में हमें सबसे ऊपर सैनिक पावर रूप में जाना जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि आज हम अग्नि 6 को लेकर बात कर रहे हैं क्योंकि अग्नि 6 को लेकर दुनिया में चर्चा होना शुरू हो गया है। दोस्तों ये चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि अब तक छोटी छोटी खबरें अग्नि 6 पर आती रही हैं, लेकिन अब ये सबसे बड़ी अपडेट आ गई है। दोस्तों आपको बता दूं कि अग्नि 6 की जो टेस्टिंग है उसकी भी डेट अब फिक्स हो चुकी है। तो हमारे देश में अग्नि 6 मिसाइल बनने वाली है जिसका दायरा लगभग 10,000 किलोमीटर का होगा। तो ये खबर जानकर आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें इस खबर पर क्या देना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम ऐसी ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो अगर आप ऐसी ही वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तब आप तक हमारी खबर सबसे पहले पहुंच सके। यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए देखते हैं एक और खबर। We'll be right back.